को यहाँ पर पूजा जाता है। ऐसी क्विदंती है कि रावण की जो पत्नी है मंदोत्री, उसका यह मायका हुआ करता, तो मायके के लिहाज से नामदेव समाज द्वारा यहाँ पर वर्षों से पूजा जाता है। मेरे पास नामदेव समाज के कुछ वरिष्ठ लोग है समाज के। सर, नामदेव समाज द्वारा यहाँ पर पूजा जाता है, क्या विशेष मान्यता मानी जाती है इस जगह की? मंदसौर शहर पुराना शहर है, प्राचीन दसपुर नगरी के नाम से इसको जाना जाता रहा है। और मंदोदरी को ऐसी किंवदंती रही है कि मंदोदरी को मंदसौर शहर की बेटी माना गया है। अभी हमारे मंदसौर शहर में मंदोदरी शिव महापुराण कथा भी हुई थी, उस पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी इस बात का उल्लेख किया कि मंदोदरी मंदसौर शहर की बेटी रही है। उसी निमित्त पूरा शहर रावण महाराज को मंदसौर का जमाई मानता है, और मालवा की परंपरा है कि जमाई को निश्चित ही पूरी तरीके से मान सम्मान दिया जाता है। नामदेव समाज अभी यहाँ पर ढोल और पूरे विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आया है। हमने यहाँ पूजा अर्चना की है, और पूजा अर्चना करने के साथ आप इस बात को देखें कि हम सवेरे पूजा अर्चना करके शाम को गोधली बेला में रावण वध की परंपरा का निर्वहन भी किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सवेरे पूजा और शाम को वध, ऐसा तो कहीं नहीं होता, लेकिन यहाँ मंदसौर में इसलिए होता है कि शास्त्र कहता है कि अच्छा है तो उसकी पूजा होना चाहिए, और यदि कहीं बुराई अहंकार का जन्म हो जाए तो उसका नाश करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्थात धर्म कहता है कि अगर कहीं बुराई है तो उसका विनाश कर देना चाहिए, बुराई हो वहाँ उसका विनाश कर देना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रावण का जो दाहिना पैर है, यहाँ पर जो एक लच्छा बांधा जाता है, बता जाता है कि एकाग्र नामक जो बुखार होता है बच्चों को आ जाता है, वो बुखार जो है दूर चला जाता है बच्चों का, ऐसे यहाँ पर क्विदंती कही जाती है, और अपने घर को ले जाते हैं, बच्चे को बांधते हैं। तो निश्चित तौर पर मंदसौर में काफी उत्साहित वाला पल है, विजयादशमी काफी धूमधाम से मनाई जाएगी। सुबह यहाँ पर रावण की पूजा की जाएगी और शाम को जो है रावण का जो है यहाँ पर वध किया जाएगा। निश्चित तौर पर रावण दहन जो है आज मंदसौर में होगा और काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जी पूरी हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है, कोई भी अप्रिय घटना होने से बचने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, बात की जाए सुरक्षा लिहाजे की, तो आज मंदसौर शाम को 5 बजे पीसी कॉलेज में जो है लेजर लाइट से एक शो आयोजित किया जाएगा, पूरी एक रामायण को वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद में रूट डाइवर्ट यहाँ से यातायात विभाग ने किया हुआ है, उसके बाद में निश्चित तौर पर जो सुरक्षा की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर बनाए हुए, क्योंकि आज 2 साल के बाद में हर कोई अपनी धूमधाम से जो दशहरे का पर्व मना रहा है, तो किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए पूरी तरीके से सजग है, पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम भी किए हुए हैं। जी जी कमलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि मंदसौर में भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं और पूरे देश भर में दशहरे की धूम है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।